हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बेली फैट एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है आजकल, जिसको देखो उसको बेली फैट का प्रॉब्लम है। और बेली फैट का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अकेला प्रॉब्लम नहीं है, अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। एक बार आता है चुपके से तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ, कुछ ऑयल शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, ये आयुर्वेद है और आयुर्वेद में एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए रेगुलरली कोशिश करनी पड़ती है। चाहे वो ऑयल है, चाहे वो कोई पाउडर है, चाहे कोई और चीज है, उसको कंटिन्यूसली आपको कम से कम 45 डेज तक लेना पड़ता है, तब वो अपना असर दिखाता है। दूसरी बात ये कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो इन चीजों का असर नहीं होगा। लाइफस्टाइल में चेंज मतलब आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये चीजें तो एड ऑन प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है या आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो साथ में इन चीजों को अपनाएं, बहुत जल्दी असर होगा। आज मैं एक बेड टाइम ड्रिंक बनाने वाली हूँ। जैसा कि नाम से ही आप जान पाए होंगे कि ये रात को पीना है, आपने बिफोर बेड टाइम हाफ एन आवर बिफोर बेड टाइम आपने पीना है, मतलब सोने से आधा घंटा पहले पीना है, डेली पीना है। चलिए पहले बना लेते हैं और साथ के साथ बताती हूँ कि क्यों ये इतनी फायदेमंद है, क्यों मैं इसके लिए रिकमेंड कर रही हूँ कि ये जो ड्रिंक है वो सोते सोते में आपका बेली फैट कम करेगी। ये ड्रिंक बनाने के लिए आपको एक पूरा केला चाहिए, एक गिलास पानी, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर चाहिए, हरी इलायची का पाउडर आपको चाहिए, ये मैंने पहले से पाउडर बना के रखा हुआ है। और बस फिर आपको ये चाय बनानी है। पानी को आप एक पैन में डालें, केला जो है उसको दोनों साइड से काट के और उसके दो टुकड़े करके इसमें डाल दें। अब केले के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, इसमें वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि B6 है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, ट्राइप्टोफेन, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और जब आप इसको इस तरीके से काट के इस पानी में बॉईल करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पानी में इन्फ्यूज़ हो जाएंगी। और ये एक ऐसी टी आपके लिए बनेगी, नंबर वन ये ब्लॉटिंग नहीं होने देगी, बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होने देगी, क्योंकि कई बार तो वज़न वाटर रिटेंशन से ही बढ़ जाता है, तो वो नहीं होने देगी, तो वज़न वैसे भी नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि इसमें पोटेशियम है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें नींद लाने में बहुत मदद करती हैं, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छी होती है, वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, स्पेशली बेली फैट को कम करने के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको रात को अगर पी के सोते हैं एक कप, तो रातों रात आपकी बेली फैट का जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो चलता है और आपका जो मन चाहा एक गोल है कि बेली फैट कैसे कम हो, ओवरऑल वेट कैसे कम हो, वो इससे आपको आपका गोल अचीव होता है। ये आप इसको बॉयल होने के बाद इसमें गैस बंद करके दोनों चीज़ें मिलाएंगे, 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ेंगे और फिर इसको आप छान के पी सकते हैं। आप चाहें तो केला भी खा सकते हैं अगर आपको वज़न का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो, नहीं तो केले को हटा दें। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटाबॉलिज्म को तो बूस्ट करेंगी, फैट को बर्न करेंगी, इसमें आपके BP को कंट्रोल करेंगी, पोटेशियम होने की वजह से इसमें सेरोटोनिन और ट्रिप्टोफेन जो दो और एलिमेंट हैं वो भूख को कम करेंगे, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे। अब जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो नींद बहुत अच्छी आएगी और अच्छी नींद जो है वो 10 बीमारियों को दूर भगा देती है। तो आपकी नींद अगर अच्छी होती है तो आपका रातों रात जो है सेल्स का जो वेयर एंड टियर है वो जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाता है, सेल्स का लिपिड इम्प्रूव होता है, वो बैलेंस में रहता है, और उसके साथ साथ पेट की सूजन, पेट का फूलना, ये सब चीज़ों को ये दूर करता है। तो इस तरीके से ये आपकी नाइट ड्रिंक बन के तैयार हो गई। रात को आपने डिनर के आधे घंटे बाद इसको पीना है और बस उसके बाद आप अपना काम करें और जब सोना हो तो आप सो जाएं, ये अपना काम करती रहेगी, क्योंकि उस टाइम आप टोटल ओवरऑल फास्टिंग में रहेंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके बेली फैट को मेल्ट करके आपके वज़न को घटाने में मदद करेंगी। वेट लॉस के लिए अच्छा है, बेली फैट बर्निंग के लिए अच्छा है, और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है।
है ना, कितनी अच्छी चीज़। तो इस तरीके से अगर आप इसको बना के पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलता है। इसमें टेस्ट भी होता है, अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा जैगरी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केला खुद ही मीठा होता है थोड़ा, और इसको कोई भी पी सकता है, ये डायबिटीज़ वाले भी इसको पी सकते हैं और कोई भी इसको पी सकता है। देखा आपने, बनाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन बनाना रोज है, पीना रोज है, ये जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बैली फैट कम हो। तो मैं आपको एक छोटा सा जोक जो हम बचपन में सुनते थे वो बताती हूँ कि एक एक इंसान के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था रात को, उसने बताया मैंने 6 चपाती खाई थी, ये खाया था ये खाया था, उसने इतना सारा खाना बता दिया कि मैंने ये खाया था। डॉक्टर ने पूछा आपने सुबह क्या खाया था, सुबह तो मैंने जी 4 अंडे खाए थे, इतनी ब्रेड खाई थी, मक्खन खाया था, बहुत कुछ खाया था। तो डॉक्टर को समझ में आ गया कि इस पर इंसान को परेशानी खाने से है कि इसने ज्यादा खाया है इसलिए इसके पेट में दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आज से मैं जो आपको बताऊंगा आपने 3 दिन तक वही खाना है। तो उसने कहा ठीक है, और साथ में मैं दवाई दूंगा, उससे आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि मॉर्निंग में सिर्फ आपको 2 टोस्ट खाने हैं जिसमें आपने बटर नहीं लगाना है, आफ्टरनून में आपने 1 चपाती खानी है, थोड़ा सा राइस और 1 सब्जी खानी है, और रात को भी आपने 1 चपाती खानी है, और बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आपने सैलेड खाना है या तो फ्रूट्स खाने हैं। तो उसने कहा ठीक है, वो उठ के चला गया, बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसने सोचा अरे डॉक्टर से मैंने एक बात तो पूछ ही नहीं, वापस आया, आके कहता है डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया है खाने के लिए, ये मैं अपने खाने से पहले खाऊं या बाद में खाऊं, तो मतलब मैं अपना खाना भी खाऊं और इसको पहले या बाद में खाऊं, तो कैसे मैं इसको खाऊं। आप ऐसी गलती मत करें कि ना तो आप अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं कि आपने रिफाइंड भी खाना है, आपने टिन फूड भी खाने हैं, आपने शुगर भी खानी है, ये सब भी खाना है, आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, आपने वॉक भी नहीं करनी, और फिर आप कहें कि हमें इस पाउडर से फायदा होना चाहिए या इस ड्रिंक से फायदा होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, अपनी एक्टिविटीज को सुधारना होगा, फिर आप ये ड्रिंक पी के देखें, देखिए कैसे फायदा नहीं होता। विद इन 15 डेज आपको असर नजर आएगा और आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से पी के देखें, उस मरीज की तरह ना करें कि मैं अपनी डाइट के साथ ही आपका नुस्खा भी कर लूं, ऐसा नहीं, सही तरीके से इसे अपनाएं तो फायदा होगा। आप इसके फायदे उठाएं, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।